अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हकीमी नुस्खे चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हकीम वकास। आज मैं आपको एक बहुत ही आम सी बीमारी जो कि हर इंसान में पाई जाती है, यानी कि दांतों से खून आना, रोज़े की हालत में भी ऐसा तकरीबन होता रहता है। तो आप ये मुजरब नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको फादियत हासिल होगी। अगर थूक में खून की आमेजिश हो तो ये मुंह की मुख्तलिफ जगहों, मसूड़ों और दांतों की जड़ों से आता है, जिसका सबब छाले या पायोरिया है। अगर सड़कने से आए तो वो सर से आता है। इसके आने के बाद सर हल्का महसूस होता है। अगर खून खनकारने से आए तो वो खंजरा और कस्बा दुरिया से आता है। अगर कह के ज़रिए आए तो वो गज़ा की नाली, मरी और मैदे से आता है। उसकी रंगत स्याही माइल होती है। कभी गज़ा का कोई जुजू भी साथ आ जाता है। इस मकाम पर दर्द और जलन भी होती है। इसके साथ साथ जिगर और तहाल का भी ख्याल रखना चाहिए और मसूड़ों से मवाद चूसते वक्त आए तो मसूड़ों से आता है। सबसे आसान शिनाख्त ये है कि खून जिस अज़ू से आता हो उसमें तकलीफ होती है। असबाब: बिजली लगना, ज़र्ब व सकता, खुश्क अशिया का कसरत से इस्तेमाल, बदहज़मी, ज़ख़म, मैदा, पायोरिया, दक, सल, ज़ातुल जनब, अरूके शोरिया का फटना, एहतबा से तमस। इलाज: ये खुश्की, सर्दी, अजलाती असाबी का मर्ज है। इसका इलाज खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की से करें। ये नुस्खा मुफीद है। लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जावत्री 20 ग्राम, मुसब्बिर 60 ग्राम, मकदार खुराक 500 मिलीग्राम वाला एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर, एक कैप्सूल शाम 500 मिलीग्राम वाला। नुस्खा दोबारा सुन लें। लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जलवत्री 20 ग्राम, मुसब्बे 60 ग्राम, मकदार खुराक 500 मिलीग्राम वाला एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। अजवाइन देसी 40 ग्राम, तेज़पौ 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, मकदार खुराक 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। नुस्खा दोबारा सुन लें। नुस्खा नंबर 2, ये दोनों इस्तेमाल करनी है। अजवाइन देसी 40 ग्राम, तेज़पौ 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, मकदार खुराक 1000 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। देसी घी जो होता है वो खूब खाएं या मरीज को खिलाएं, हत्ता के खून आना जब तक बंद हो जाए। जिस्म के किसी हिस्से से खून आना इस बात की दलील है कि खून में साले रतूबात ख़त्म हो गई है और शदीद खुश्की पैदा होकर खून आने लग गया है। फिर अगर खून नाक से ऊपर किसी मखरज से आए, मसलन नाक दाएं तरफ, फेफड़े दाएं तरफ, मसूड़े दाएं तरफ, तो ये खुश्की, सर्दी, अजलाती असाबी मिजाज होगी। और अगर नाक से नीचे दाएं तरफ, मकसद औरतों को दाएं फलोपियन ट्यूब वसीत और रहम से आए तो खुश्की गर्मी का मिजाज होगा। और अगर नाक से ऊपर बाएं तरफ, नाक मसूड़े फेफड़े से आए तो गर्मी खुश्की का मिजाज होगा। और पेशाब में खून
गर्मी खुश्की का मिजाज से आता है। अगर आपको नुस्खा ये पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।